गार्डन की खूबसूरती है, इतनी सारी हमारी जो मेहनत है वो नुकसान सा हमें दिखाई देता है। और कुछ हैंगिंग प्लांटर्स जो थे वो गिर गए हैं, टूट गए हैं, देख रहे हैं गंदगी इतनी सारी फैली हुई है। ये सारे प्लांट्स के हालत देखिए। अच्छा, वो सीमेंट लाने के लिए गए हुए थे तो प्लांट्स तो ठीक है सब। ये देखिए पोनीटेल पाम जो है कितना खूबसूरत सा ये मेरा लग रहा है। तो यही सब चल रहा है। अब उम्मीद करती हूँ और आपको एक बार दिखाती हूँ ये वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन था जहाँ से वो प्लांटर गिरा है। तो जो बड़े बड़े प्लांटर हैं वहाँ से अब हमने सोचा है कि उसे नीचे उतार के जब अब ये पूरा छत की वाटर प्रूफिंग हो जाएगी तो हम इसका डेकोरेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे। और हमने सोचा है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो कि बहुत मल्टीप्लाई हो गए हैं उसे जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हूँ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, पर चंपा के प्लांट को मैं एक भी किसी को नहीं देने वाली हूँ। और बाकी ये पाम का कुछ जो है ये देखिए बर्न हो रहे हैं। अब 49 डिग्री टेम्परेचर होगा तो बर्न तो होंगे ही होंगे, पर फिर भी ये नाग चंपा के पौधों में फूल वगैरह खिल रहे हैं। तो ये छोटा सा अपडेट मुझे आप सबको देना था कि देख लीजिए बरसात में नुकसान होता है तो ये जो नेचर है, ये प्रकृति है, वो हमें कुछ ना कुछ तो देती ही है। आज है मंडे, मंडे की इवनिंग 4 बजे से फिर बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। और ये जो बारिश हुई है इसका फॉरकास्ट मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि बारिश होने का फॉरकास्ट किया था। और देखिए ये क्योंकि 20 तारीख से 30 तारीख तक उन्होंने कहा है कि हैवी बारिश होगी। दिल्ली में तो सिर्फ बारिश हुई है, पानी जाम हुआ है, बट कुछ जगहों पे ओले भी पड़े हैं। अब कहाँ कहाँ पड़े हैं इसकी रिपोर्ट अभी तक हमें मिली नहीं है। तो चलिए, बहुत सारी बातें आप सबसे हो गई, आज से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार।